हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि चिकन मैं कैसे बनाती हूँ। तो मेरा ये अपना रेसिपी है, बाकी सब लोग एक तरीके का ही चिकन बनाते हैं, बट सबका अलग अलग टेस्ट होता है। तो चलिए मैं अपना रेसिपी दिखाती हूँ कि क्या क्या मैं डालती हूँ उसका इंग्रेडिएंट में। तो चलिए दिखाते हैं फिर कि क्या क्या मैंने तैयारी किया हुआ है, और बनाते बनाते ही प्रोसेस सारा मैं दिखाऊंगी। मैंने पैन ले लिया है और इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। तो आप लोग देखिए, मैंने लिया है तेज पत्ता, जीरा, इलायची, बड़ी इलायची, गरम मसाला का एक तरह का दालचीनी मैंने नहीं लिया है अभी, और एक लौंग मसाला को डाल दूंगी इसमें। देखिए मैंने ये सारा लेग पीस है, स्मॉल लेग पीस है, सबको हम डाल देंगे इसमें। पहले हल्दी डाली हूँ, नमक अभी नहीं डाली हूँ, क्योंकि अगर हल्दी डाल देना तो इसका पानी सूख जाएगा। अब सारे मसाले में डालूंगी, देखिए धनिया पाउडर 2 चम्मच, लाल मिर्च 2 चम्मच, जीरा का पाउडर, धनिया जीरा पाउडर, इतना धनिया जीरा नहीं, काली मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर ऑल डाल देते हैं। ऐसे भी डाल के ना चला लेंगे। मैं देखिए नमक डाल रही हूँ, स्वाद अनुसार नमक डालूंगा। नमक अब डाल के देखिए भूनने से इतने है कि पानी अब छोड़ेगा, और फिर इसे मैं चलती डाल के ठंड मतलब कम आँच पे करके ढक के छोड़ दूंगी, ताकि उसका जो पानी होता है इसमें वो छोड़ने का साथ ही साथ में ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ या टमाटर। मैं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डालूंगी कलर आने के लिए, और बस उससे चला लूंगी, ताकि इससे हमारा कलर बनता खाने का बहुत ही अच्छा आ जाता है। साथ ही साथ मैं अभी दही डाल देती हूँ, दही भी मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, बस 4 टेबल स्पून जो होता है बस इतना ही डालूंगी। किसी भी चीज़ का ज़्यादा क्वांटिटी डाल देने से टेस्ट खराब हो जाता है, पहले देखिए मैं इसे डाल कर भून लूँगी अच्छे से, तेल डाल कर
फिर इसे मैं कम करके छोड़ दूंगी गैस पे ढककर धीमा आंच पर, ताकि ये अच्छे से इसमें सारा फ्लेवर जो है अंदर चिकन के अंदर चला जाए। तो आप देख सकते हैं कलर भी बहुत अच्छा आया है गाइस। देखिए मैं इसे छोड़ रही हूँ थोड़ी देर के लिए, 7-8 मिनट। तो देखिए मेरा चिकन है करीब करीब, इसका पानी बहुत छोड़ दिया है, तो मैं इसमें पानी डाल दूंगी और डाल के गरम मसाला डालकर 5 से 6 मिनट ढक कर पका के फिर गैस बंद कर दूंगी गाइस। तो देखिए मैं अब इसमें पानी डालूंगी, चावल के साथ खाना है तो थोड़ा ग्रेवी वाला ही बनाऊंगी मैं। बस इससे ज्यादा मैं पानी नहीं डालूंगी, थोड़ा सा 1 इंच गरम मसाला डाल दूंगी। इसे ढक देती हूँ, ढक के पकाऊंगी 5 से 6 मिनट। देखिए मैं बंद कर रही हूँ गैस को, बंद करके अब गैस छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए, ताकि इसका पूरा फ्लेवर ठंडा 10 मिनट हो जाता है, फिर खाइए तो ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। देखिए मैं गैस बंद करके हुई, देखिए गाइस मेरा चिकन बनकर रेडी हो चुका है। कितना अच्छा देखिए कलर आया है इसका, देखिए देखिए मेरा चिकन बन के रेडी हो गया, देखिए मेरा चिकन बन कर रेडी हो गया है। आप लोगों को अगर मेरा रेसिपी अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियो। फिर मिलूंगी अगले नेक्स्ट वीडियो में नया रेसिपी या नया किसी चीज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।